प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रैलियों का दौर लगातार जारी है। भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जबकि कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। भाजपा द्वारा आज हमीरपुर में चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश ने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार सरकार दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में 2004 से 2014 तक घोटाले ही घोटाले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी गरीबी हटाने की ही बात कर रहे हैं। 60 साल में कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई, बल्कि गरीब मिटना शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जो 60 साल में नहीं हुआ, वो भाजपा की सरकार ने 10 साल में करके दिखा दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल भी मौजूद रहे। इस बीच मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत भी दिल्ली से वापस लौट आई हैं। कंगना रनौत का आज कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा का टिकट मिलने के बाद ये उनका पहला कुल्लू दौरा है। बजौरा में बंजार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी और जिला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। इसके बाद कंगना रनौत सीधा मनाली चली गई, जहां उनका रामबाग में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं कल दोपहर बाद कंगना कुल्लू भाजपा मंडल के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। और कंगना रनौत के इसी दौरे को लेकर तमाम अपडेट के साथ मनाली से हमारे संवाददाता मोहन बोटापा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। मोहन, कंगना चुनावी प्रचार बहुत पहले से शुरू कर चुकी हैं, लेकिन बीच में दिल्ली का दौरा लगा और दिल्ली के बाद अब वापस हिमाचल लौट आई हैं। मनाली आज पहुंची हैं, कैसा रुझान जनता का नजर आ रहा है और दिल्ली में क्या लगता है, क्या कुछ टिप्स लेकर कंगना लौटी हैं? मोहन मोहन आप आवाज सुन पा रहे मोहन बोगटापा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? देखिए, कंगना रनौत आज यहाँ पहली बार मनाली पहुंच चुकी है। चुनाव के लिए यहाँ पर मनाली के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके साथ मॉल रोड पर रोड शो भी किया, भारी संख्या में जो है भीड़ यहाँ पर जुटी है। इस वक्त जो मंडी संसदीय क्षेत्र के जो प्रभारी है गोविंद सिंह ठाकुर, वो भी उनके साथ थे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी और लाहौल से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, इनका यहाँ भव्य स्वागत किया गया है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर कंगना जी का भाषण होना, वो क्या कहती है और अपने भाषण में संबोधन में क्या कहती है, वो देखना अभी बड़ी चीज है। ठीक है, तो चुनावी प्रचार कंगना का लगातार जारी है। मनाली में जोरदार स्वागत उनका हुआ है। मोहन बोगटापा हमें जानकारी दे रहे हैं। मोहन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।